हटा निराशा की चादर ये जीवन जाया होता है, हटा निराशा की चादर ये जीवन जाया होता है, छोड़ हताशा के बंधन ये जीवन जाया होता है। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ आगे लिए चलते हैं, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ी खबर की बात हम करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। देश के जाने माने पहलवान, दो बार ओलंपिक विजेता रह चुके सुशील कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने सागर की हत्या की थी और सागर हत्याकांड का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अदालत में दाखिल किए गए हैं 170 पृष्ठ के चार्जशीट और साथ ही लूट के मामले भी दर्ज किए गए हैं, लूट की धाराएं भी उन पर लगा दी गई हैं। और आपको बता दूं कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं सुशील कुमार की। अब देखने वाली बात यह होगी कि भविष्य में क्या होता है, अदालत किस तरह के फैसले देती है सुशील कुमार के मामले में और सागर हत्याकांड के मामले में। आइए आपको लिए चलते हैं। झारखंड और बंगाल की सीमा से सटा एक क्षेत्र है मैथन, और मैथन में बसता है एक छोटा सा गांव सीधाबाड़ी, और सीधाबाड़ी को आसनसोल के सांसद बाबुल सुप्रियो ने गोद लिया था और उन्होंने वादा किया था कि सीधाबाड़ी के विकास में जितना भी हो पाएगा, जो भी बन पाएगा वो करेंगे। लेकिन यहाँ के लोग निराश थे काफ़ी लंबे समय से। बाबुल सुप्रियो यहाँ जाते भी नहीं थे और इनका हाल हवाल भी नहीं पूछते थे, जिसकी वजह से सीधाबाड़ी के लोग खासे नाराज चल रहे थे। और आखिरकार बाबुल सुप्रियो ने ऐलान कर दिया राजनीति छोड़ने का। इसके बाद आज सीधाबाड़ी के लोगों ने अपने सर मुड़वा लिए। उनका कहना है कि बाबुल सुप्रियो ने इस गाँव को गोद लिया था और जब गाँव का बाप ही नहीं रहा, गांव का पिता ही नहीं रहा, तो वो अपना सर मुड़वाएंगे ही। और रस्म अदायगी की गई, यहां ग्रामीणों ने अपना सर मुड़वाया और ये लोग कह रहे हैं कि गांव में जिस तरह से विकास होना चाहिए विकास नहीं हुआ है। और ये लोग स्थानीय प्रशासन से ये गुजारिश कर रहे हैं कि सीधाबाड़ी गांव का विकास होना ही चाहिए। स्टील मार रहे केवरे কারণে মাথা নেড়া করলেন আজ আমরা কি কারণে মাথা নেড়া করলাম আমরা মাথা নেড়া করলাম এই যে বাবুর সুপুরে যে আমাদের সিধাবাড়ি গ্রামকে আদর্শ গ্রাম মানে গোদ নিয়েছিল সেই কারণে মাথা নেড়া করলাম এখন তো ধরুন কিছুদিন আগে শুনলাম মন্ত্রী থেকে ইস্তফা দিয়ে দিয়েছে তারপর শোনা যাচ্ছে যে এমপি থেকেও ইস্তফা দেবে তাহলে এখন আমরা যাবো কাকে সে আমরা তো সব অনাথ হয়ে গেলাম ঠিক আছে কাজের বিভাগে যেটা যেটা বলেছিল মাঝ রাস্তায় সে আমাদেরকে ভেবেছিলাম ও কর্ম ভালো কিছু একটা আমাদের জন্য করবে পাবলিক সীতাবাড়ি আদর্শ গ্রাম হিসাবে যে এসে নিয়েছিল ওই জন্য এখন দুঃখিত আমরা যে সীতাবাড়ি গ্রামবাসীরা কি করবে যখন তো আর এবার ধরুন বিধানদার কাছে যেতে হবে আমাদের কি নাম আপনার আমার মন গ্রাম নিয়ে আমরা ভেবেছিলাম যে আমাদের গ্রামে বাথরুম হবে তারপর ঘর হবে তারপর ডাক্তারি ব্যবস্থা হবে কিছু এখানে তো সেরকম ব্যবস্থা নেই অনেক দূর যেতে হয় হসপিটালের জন্য তারপর শিক্ষা দিক থেকে সেরকম প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে কিন্তু হাই স্কুলের জন্য অনেক দূর যেতে হয় আমাদের মোটামুটি 10-12 কিলোমিটার যেতে হয় আরও সাইডে গ্রাম আছে তাদেরও অনেক অসুবিধা হয় তা আমরা এইটুকু আশা করেছিলাম যে যেন কমসে কম ডাক্তারি ব্যবস্থা বা झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र से हमारे पास आ रही है एक खास खबर, हमारे संवाददाता मलय गोप ने भेजी है एक खबर। इनका कहना है कि यहाँ ग्यारकुंड अंचल कार्यालय को आज एक ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासी समाज के लोगों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए ढोल नगाड़ों के साथ पारंपरिक अंदाज में यहाँ प्रदर्शन किया और प्रशासन से ये मांग की कि मैथन में बीएसके कॉलेज के पास आईआईटी के लिए एक भवन का निर्माण होना है
है, इसके लिए चार दीवारी खड़ी की गई है। लेकिन इनका कहना है कि चार दीवारी खड़ी कर दी गई है शमशान की जमीन पर भी। यहाँ काली माटी नामक एक शमशान हुआ करती है, शमशान के जमीन को भी ले लिया गया है। इसे छोड़ना बेहद जरूरी है और इसे छोड़ना ही होगा, ये कहना है यहाँ के लोगों का। और ग्रामीणों में इसे लेकर काफी नाराजगी भी है और नाराजगी के इसी आलम में इन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और यहाँ अंचल कार्यालय को एक ज्ञापन भी सौंपा। और इनका साथ दे रहे थे जाने माने मासस नेता पीएल मुर्मू और उनके साथ ग्रामीणों के नेता। ग्रामीणों की तरफ से हमारे संवाददाता ने बात की बादल बाउरी से, इनका भी कहना है कि शमशान की जो भूमि है शमशान की जमीन को छोड़नी ही पड़ेगी। और हमारे संवाददाता ने पक्ष लिया अमृता कुमारी का, जो सीओ है, प्रशासन का पक्ष लिया गया, उनका क्या कहना है आइए हम जानते हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। कर्मचारी से जांच करवाया गया था तो कर्मचारी के द्वारा जांच करके प्रतिवेदन दिया गया था कि हमारे जो जमीनी जो भी कागजात हैं अंचल में तो उसमें खाता प्लॉट में कहीं भी संतान बोलकर दर्ज नहीं है। और ये जो संतान जहां पे अभी है ये जमीन पूर्व में ही हस्तांतरित किया जा चुका है पूर्व के अंचलाधिकारी के द्वारा। तो वर्तमान में ये समस्या आई है लोगों के द्वारा हम लोग के सामने रखा गया है। तो इस संबंध में हम अपने वरीय पदाधिकारी से बात करेंगे और बात करके कोशिश करेंगे कि कहीं और शमशान को कहीं और शिफ्ट कराया जा सके ताकि लोगों को समस्या ना हो कहीं भी समस्या। इस संबंध में तो हमारे वरीय पदाधिकारी भी आए हुए थे स्पॉट पर, तो उन्होंने वहाँ पर रैयत को स्पष्ट निर्देश भी दिया था कि जो भूमि सरकारी भूमि जो हस्तांतरित हो चुकी है आईएसएम को तो उसमें से रास्ता देना संभव नहीं है और रैयत जो वहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे अपना घर बना के वो लोग चाहे तो आपस में बात करके रास्ता अपना निकाल सकते हैं और समस्या का समाधान कर सकते हैं। विस्थापित तो अभी ऐसा कोई मामला हमारे मतलब संज्ञान में नहीं आया है क्योंकि अभी हम लोग अतिक्रमण की ही जो कार्रवाई है वो स्टार्ट हुई है और अभी अभी मतलब पहला नोटिस गया है सभी को। इस संबंध में हम लोग देखेंगे कि किनके द्वारा कागज जमा किया जा रहा है किनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जब तक ये प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक ये कहना मुश्किल है कि कोई विस्थापित यहाँ से हो रहे हैं। मुख्य कारण यही है हम लोग का आईएसएम द्वारा शमशान घाट को घेराबंदी किया जा रहा है, यहाँ तक कि गेट छोड़ा था 4 फीट वो भी बंद कर दिया। हम लोग शमशान घाट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि शमशान घाट छोड़ दें, इसके बाद स्कूल बनाए कॉलेज बनाए कुछ बनाए उससे हम लोग को कोई दरकार नहीं। हम लोग का गेट छोड़ दें और शमशान घाट छोड़ दें, यही हम लोग का आजकल होता है। तो अभी तक किसी प्रकार कोई आश्वासन मिला है क्या? अभी कुछ नया आश्वासन नहीं मिला है। हम लोग सीओ को मेमोरेंडम दिए हैं, आज भी फिर एक मेमोरेंडम देंगे, अभी तक कुछ नहीं किया। हमारे यहाँ जो आईएसएम बनने जा रहा है जिसमें हमारे काली माटी का जो शमशान घाट है तो आईएसएम द्वारा उस शमशान घाट को पूरा घेराव किया जा रहा है। हम लोग आईएसएम का विरोध नहीं है, हम लोग चाहते कोई संस्थान कोई आईएसएम स्कूल कॉलेज बने, लेकिन यहाँ का जो गांव पूरे अगल बगल में मेरा से लेकर सारे लोग उस शमशान घाट में जो हम लोग का लास्ट में मरते हैं उसको हम लोग जाकर दाह संस्कार तक करते हैं। इसी के अवज में हम लोग का कहना है कि भाई शमशान घाट छोड़कर आप आईएसएम बनाइए, इसके लिए हम लोग पूर्व में लिखित हम लोग। सिखों के 8वें गुरु हरिकिशन सिंह साहिब का जन्मोत्सव देश भर में मनाया जा रहा है काफी आस्था के साथ काफी श्रद्धा के साथ। रानीगंज से हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने खबर भेजी है, रानीगंज गुरुद्वारे में भी आज काफी आस्था के साथ काफी श्रद्धा के साथ जन्मोत्सव के मौके पर याद किए गए सिखों के आठवें गुरु हरिकिशन सिंह साहिब और उनकी याद में यहाँ पर अरदास किए गए और भी कई तरह के कार्यक्रम हुए। आपको बता दूं कि इससे पहले सिख समाज के लोगों ने एक यात्रा भी निकाली गई, पंजाबी मोड़ से यह शोभा यात्रा गई रानीगंज गुरुद्वारे तक, जो बोले सो निहाल के नारों के बीच ये शोभा यात्रा निकाली गई। आपको हम दिखा रहे हैं पूरी रिपोर्ट। खालसा 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 सत श्री अकाल। थोड़ा सा खालसा
खालसा खालसा सत श्री अकाल। पश्चिम बंगाल के अंडाल से हमारे पास एक खबर आ रही है। अंडाल स्थित मधुसूदनपुर कोलियरी में आज एक पीट मीटिंग की गई, जिसमें यहाँ के स्थानीय नेता जो श्रमिक नेता हैं और एचएमएस से जुड़े हुए हैं, विष्णुदेव नुनिया मौजूद थे और उनके अलावा यहाँ पे संगठन से जुड़े तमाम लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यहाँ केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों की बातें की गई और कहा गया कि केंद्र सरकार की नीति मजदूर विरोधी नीति है। इस तरह की बातें यहाँ कही गई और इस मीटिंग में और भी कई मुद्दों पर बातचीत की गई। माधवपुर से बाबू मियाँ हैं, शुभंकर जी हैं और सारे साथी जो आए हैं एड्रेस ब्रांच से, खासकर ब्रांच से भी जो साथी लोग आए हैं, सभी को स्वागत जनाते हुए, खासतौर से 7 नंबर के साथी को स्वागत जनाते हुए, ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2-4 बात ही बोलेंगे। जे साथी, ईसीएल से लेकर पूरी कोयला खदान में आज के दिन में जो है कोयला खदान के श्रमिकों की आवाज है और उस आवाज के नाम है एचएमएस। कुछ कुछ दवाई प्रचार करता है, हमदर्द की दवाई, तो एचएमएस भी जो है कोयला खदान के हमदर्द की दवाई है। ये दवाई जो साथी नहीं खाएंगे हम लोगों को तिर मजदूर किसान अगर सामने आ रहे उनको दमन करने के लिए पीट मीटिंग नया कानून, आप क्या बात कर रहे हैं? अपना यूनियन के साथ, मजदूरों के साथ, किसान के साथ, उसका ऊपर आपको फोन टैप हो रहा है, काफी झगड़ा चल रहा पार्लियामेंट में, विरोधी सभी लोग इकट्ठा होकर के ये फोन टैपिंग के खिलाफ में आवाज उठाया। लेकिन ये भी एक कौशल है मोदी सरकार की, विरोधी पार्टी सब लोग बेगासा से लेकर के लड़ाई करे, अखबार में, टेलीविजन में बेगासा से लेकर के चर्चा हो और इसी बीच में मोदी जी का। झारखंड सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि झारखंड की महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और इन्हीं कोशिशों के तहत कई तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। झारखंड से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है कि झारखंड के नाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया कृषि विभाग और भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से। हमारे संवाददाता गौतम ठाकुर ने खबर भेजी है कि यहाँ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे झारखंड सरकार के स्पीकर रविंद्रनाथ महतो। उन्होंने यहाँ की महिलाओं को संबोधित किया और बार बार बात कही कि यहां की महिलाओं को आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है। इस मौके पर 8 महिला ग्रुप्स को, 8 महिला समूहों को यहां कृषि से जुड़े हुए उपकरण दिए गए और कुछ महिलाओं को यहां मिनी ट्रैक्टर्स दिए गए ताकि महिलाएं आत्मनिर्भर हो सकें और खुद स्वरोजगार से जुड़ सकें, और इनका आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है और इन्हीं प्रयासों के तहत, इन्हीं कोशिशों के तहत झारखंड में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और मंत्रालय की तरफ से इन्हें मदद की जा रही है। इन्हीं के तहत आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रविंद्रनाथ महतो ने अपनी बातें रखी और अपने खुद के यहाँ की महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ साफ कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना हमारा पहला लक्ष्य है। चाबी देते हुए हमारे अध्यक्ष महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, सभी गणमान्य, सभी माननीय अतिथिगण, बहुत ही सुंदर लम्हा, कंपनी के प्रतिनिधिगण यहाँ अतिथि महोदय को चाबी सौंपते हुए और मुख्य अतिथि महोदय समिति के सदस्यों को चाबी सौंपते। भूमि संरक्षण विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में विशेष करके सखी मंडल और JSLPS के लाभ नहीं मिलेगा यार, खेती करेगा, खेती में फसल उत्पन्न होगा, फसल में जितना घर का खपत है उतना खपत होगा, फिर बाकी जो सरप्लस फसल होगा उसको बाजार में बेचेंगे, उससे पैसा आएगा, उससे परिवार में अर्थनीतिक तंगी से मुक्ति मिलेगा,
इधर बंगाल सरकार भी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में लगातार लगी हुई है और इसी योजना के तहत लगातार महिलाओं की मदद की जा रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई तरह के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। रानीगंज में आज सर्राफ भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने खबर भेजी है कि सर्राफ भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में खास तौर से मौजूद थे रानीगंज के तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और यहाँ के विधायक तापस बैनर्जी और उनके साथ यहां मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी। इन दोनों नेताओं की मौजूदगी में यहां 25 महिलाओं को सिलाई मशीन दिए गए और इस मौके पर मानभूम इस्पात के पदाधिकारीगण भी मौजूद थे और वक्ताओं ने अपने बातों के क्रम में अपने वक्तव्य के क्रम में यह कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ही होगा क्योंकि महिलाएं अगर आत्मनिर्भर रहेंगी तो देश का कल्याण होगा, देश का भला होगा। आदिवासी संस्था के सदस्य मंचे रही बोलें तीन विधायक एवं एडिटर चेयरमैन जो स्वनिर्भर तैरिरा पृथ्वी सब थे बड़ क्या अन्य जरा मुखापुखी ना थकते मानूष तरह एक नतून एक दृष्टान मालभूम इस्पात प्राइवेट लिमिटेड जरा रही युक्त ता एक नतून भाव देखा दादूबाबू संगे मानूष তারা উচিত জন্য তারা তাদের প্রত্যেককে হাতে সেলাই মেশিন করে দেবেন। আরেকটা আমরা কতক্ষণ ঘর হল জায়গাটা আপনাদের সরকার लापरवाही की वजह से अक्सर मरीजों की मौतें होती हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है पुरुलिया जिले के नितुरिया इलाके से। नितुरिया इलाके में एक गांव है, इस गांव की रहने वाली ममता मांडी की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से हो गई, ऐसा कहना है उसके परिजनों का। आपको बता दूं कि इस इलाके में एक निजी अस्पताल है पीजी नर्सिंग होम, जिसमें दाखिल कराया गया था 18 वर्षीय युवती ममता मांडी को, लेकिन उसकी मौत हो गई और उसके परिजनों का यह कहना है कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उसकी मौत हुई। उसके खिलाफ आज उसके परिजनों ने इलाके के लोगों के साथ मिलकर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया और पुलिस को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। नितुरिया थाने को एक ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की मांग की गई है। ঘটনার বিবরণটা আপনাদেরকে অবশ্যই আমি বলেছি, আপনারাও জানেন
সেই ঘটনাকে সূত্র করে আজকে আমরা এখানে বিক্ষোভ দেখিয়েছি। বিক্ষোভে আমাদের দাবি ছিল পুলিশের কাছে যে হসপিটালটাকে বন্ধ করতে হবে, মানুষ হত্যা করে হসপিটালকে বন্ধ করতে হবে, এবং সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার জন্য আসছেন, সেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ডাক্তারবাবু অপব্যবহার করছেন, নয় ছয় করে সরকার টাকাকে আত্মসাত করছেন। আমরা বললাম যে হসপিটালকে সাত দিনের মধ্যে এটাকে বন্ধ একদম করতে হবে, বন্ধ না হলে আগামী দিনে এর থেকে বহু মানুষ আমরা বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে আমরা কিন্তু বাধ্য হব। এই হসপিটালকে আমরা আর চালাতে আমরা দেব না। পুলিশের তরফ থেকে কি বলেছে? পুলিশের সব তরফ থেকে ওনারা বললেন যে আমরা যথাযথ চেষ্টা আমরা করছি যাতে হসপিটালটাকে আমরা বন্ধ করতে পারি। আমরা বললাম আজ হসপিটালটাকে যদি বন্ধ হলে আগামী দিনে এরকম বহু মানুষের জীবনহানি ঘটবে। আমরা পুলিশকে আমরা বলব গতকালের ঘটনা নিয়ে আপনারা লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন থানায়? না, গতকালের জন্য এখনো পর্যন্ত আমরা দিনে আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত যাবো, কারণ আমাদের প্রশ্নটা বডি আসতে বাড়ি আসতে অনেক সময় হয়েছে, রাত্রে আমরা কিছু করতে পারি, আজকে শ্মশানে দাহ হচ্ছে, আমরা সন্ধ্যে পর্যন্ত পেশেন্ট পার্টির পক্ষ থেকে কমপ্লেন হবে আর কি। বিপ্লব স্থানীয় বাসিন্দা। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हमारे पास एक खबर आ रही है। बांकुड़ा के कॉलेज रोड में आज एक मूर्ति का अनावरण किया गया। दरअसल एक समाज सेवी हुआ करते थे जवाहर सिंह, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत ही बेहतर काम किए हैं। इनकी प्रतिमा का आज अनावरण किया गया। अनावरण जानी मानी तृणमूल कांग्रेस की नेता साईतिका बैनर्जी ने की। इस मौके पर इलाके के विशिष्ट लोग खास तौर से मौजूद थे। आपको बता दूं कि जवाहर सिंह का नाम यहां के बच्चे की जुबान पर है और उन्होंने यहां समाज सेवा के क्षेत्र में काफी बेहतर काम किए हैं। साईतिका बैनर्जी ने भी माना कि जवाहर सिंह ने जो योगदान दिया है यहां इस क्षेत्र के लिए वह सराहनीय है और उसे भूला नहीं जा सकता। इस मौके पर दूसरे लोगों ने भी अपनी बातें रखी और इस मौके पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। আমি এটাই বলবো যে সত্যি আজকের দিনে এই মানুষজনের সাথে তোমাদের সবার সাথে পালন করে মানে স্বর্গীয় জহর সিংহর আজকে জন্মবার্ষিকী, এবং উনি যেটা আমরা বলাবলি করছিলাম ভেতরে যে উনি আমাদের সবার সাথে এখনও আছেন, ওনার লড়াইয়ের কথা আমরা জানি এবং উনি একজন ইউথ আইকন ছিলেন যেটা আপনি বললেন। শেখার অনেক কিছু আছে, শেখার তো শেষ নেই, শেখার কোনো বয়স নেই, আমরা প্রত্যেকেই শিখছি এবং ইন্সপায়ার্ড হচ্ছি। তাই এখানে ওনার সাথে যারা সেই সময় সংগঠনে ছিলেন, লড়াই করেছেন, এখানে অনেকেই আছে। শিবাজিদাও আমার মনে হয় তুমি ওনার সাথে সংগঠনে ছিলে, এবং সবাই মিলে আজকে দিনটা আমরা পালন করছি আর প্রত্যেক দিন আমরা শিখছি। তো উনি যে এক্সাম্পল সেট করে গেছেন অ্যাজ এ ইউথ আইকন, সেই মাত্রাটা হয়তো আমরা বোঝাতে পারবো না, কিন্তু ডেফিনেটলি আমরা ইন্সপায়ার্ড হব এবং আমরা ওনার থেকে, ওনার লড়াইয়ের থেকে শিখে আমরা আগামী দিনে কাজ করব। থ্যাংক ইউ। যে মূলত আমাদের বিগত দিনের বাঁকুড়া জেলার দামাল ছেলে, ছাত্র পরিষদের সভাপতি ছিল এক সময়, সেই জহর সিং আমার বন্ধু, আমরা দুজনে একসাথে 1982 সাল থেকে ওর মৃত্যুর দিন আগে পর্যন্ত আমরা একসাথে রাজনীতি করেছি। সেই জহর সিংয়ের আজকে জন্মদিন, সেই জন্মদিন উপলক্ষে আজকে জহরের একটা স্মরণসভা এবং তার সাথে একটা রক্তদান শিবির, এবং তার সাথে আমাদের ছাত্র রাজনীতির সাথে আমরা যারা জড়িত ছিলাম, আমাদের একটা আবেগ আছে জহরের উপর। সেই জহরের আজকে একটা আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন হবে, তারই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হয়েছি। একসময় আমরা দেখেছিলাম মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি
बंगाल के बराकर से हमारे संवाददाता ने खबर भेजी है, यहाँ बीसीसीएल एरिया 12 के कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स ने आज जमकर विक्षोभ प्रदर्शन किया। इनका कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से एक नोटिस चस्पा किया गया है, एक नोटिस लगाया गया है जिसमें साफ साफ लिखा गया है नो वर्क ने नो पे। इस तरह की बातों से यहाँ के लोगों में काफ़ी डर पसर गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, ठेका श्रमिक हैं, उनमें काफ़ी नाराजगी भी है, डर का माहौल है। उन्होंने आज एक ज्ञापन सौंपा आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासनिक बोर्ड की सदस्य तबस्सुम आरा को, और इन लोगों ने तबस्सुम आरा से ये मांग की है कि उन्हें न्याय दिलाएं। वो भी कागज जो दिखाइए ना, जो बोला कि दे रहे हैं, ये हम लोग लिखित है, ये वाला मैडम को हम दिए हैं अभी, जो दे दे रहा हूं शो कर रहा कि दे रहा है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कोलोरी का समस्या है, जो सत्तम कंपनी में ये लोग काम करते हैं, धर्मिंदर सत्तम कंपनी में ये लोग काम करते हैं। इन लोगों का बहुत सी समस्या है कंपनी में, आज अचानक कर इन लोगों का लगा दिया है नो वर्क नो पेमेंट। तो ये गलत है, जो भी ये लेबर लोग 200-300 लेबर आ जाए, ये गलत है। जो भी कंपनी है ये गलत कर रहा, कंपनी के मालिक से हमने बात किया है, वो अभी बाहर है, कल आएंगे, तो इस सिलसिले में हम लोग बात करेंगे। मेरा एक ही कहना है कंपनी से कि आपको अगर नो वर्क नो पेमेंट लगाना है तो आप पहले लेबर लोग से बात कीजिए, उन्हें समय दीजिए, उन्हें वक्त दीजिए। आप डायरेक्ट इस तरह से कुछ भी नहीं कर सकते। तो कंपनी का मालिक अभी नहीं है, कल आएंगे, कल आने के बाद उस समस्या के लेकर बातचीत करेंगे। अभी ये लोग क्या डिमांड है? इन लोगों का डिमांड है कि अचानक इस तरह से नो वर्क नो पेमेंट नहीं लगाना है। दूसरा, इन लोगों को पेमेंट सही से नहीं मिलता है, जो बीसीसीएल का पेमेंट है वो पेमेंट इन लोगों को नहीं मिलता है। कोई भी काम करने भी नहीं, लेबर लोगों को बार बार इन लोगों को मारता है पीटता है, तो ये सब गलत है। मेरा भी कहना है कि गलत है, लेबर लोग का साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। आप क्यों कीजिएगा, लेबर काम करता है तो आप पेमेंट देते हैं। आज आप 200 परिवार देख रहे हैं, आप अचानक 200 परिवार को क्यों निकाल दीजिएगा नो वर्क नो पेमेंट? 200 परिवार के पीछे 2000 फैमिली भी है। तो कंपनी के मालिक से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैडम अभी हम बाहर है, कल आएंगे तो बात करेंगे। आए हैं मेयर के पास, हम लोग का समस्या अपना काम के लिए, तो नो वर्क नो पे कंपनी में बोलता था जब मन तब, ना पैसा देता है ना कुछ करता है, एकदम डायरेक्टली नो वर्क नो पे, वही दमागुड़िया ना सीएसपी देता है, दमागुड़िया कुलियारी बीसीएल। हम लोग मालिक को भी बोलते हैं, एजेंट को भी बोलते हैं, बोलता नहीं मिलेगा कुछ पैसा, ना सीएसपी मिलेगा ना कुछ पैसा, जो पैसा उसी में काम करना करो, नहीं तो छोड़ के चल जाओ। आज कल हम लोग को लास्ट करके आज से नो वर्क नो पे कर दिया, बोरा मार्च में पानी भर गया है, तुम लोग को एक पैसा नहीं मिलेगा, जब काम चालू होगा तब पैसा मिलेगा। और हालांकि आज का बात नहीं है, ये हमेशा कभी भी कंपनी को फाइनेंशियल दिक्कत होता है तो तभी कंपनी बोलता है कि नो वर्क नो पे, और जब हम लोग का पास फिर से कंपनी सक्षम होगा चलाने का तब चलाएंगे। अगर ऐसा कंपनी करेगा तो हम लोग का पीछे से हम लोग नहीं है, हम लोग का पीछे 100 परिवार है, हम परिवार को कैसे चलाएंगे? अचानक कंपनी बोलेगा बंद कर दे, ये कर दे, 10 महीना ड्यूटी किए फिर बोला बंद कर दे, फैमिली कैसे चलेगा? जब इच्छा तब लगा देता है पैसा। देखिए पैसा तो अभी बाकी नहीं है, जो अभी लगा दिया नो वर्क नो पे 1 तारीख से, अब जितना दिन तो मेरा बंद रहेगा, 4 महीना भी बंद रहेगा। भारत के चप्पे चप्पे में प्रतिभाएं छिपी हुई है, लेकिन बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्हें मदद नहीं मिल पाने की वजह से प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं, वह गुम हो जाती हैं गुमनामी के अंधेरे में। एक ऐसी प्रतिभा से हम आपको जोड़ना चाहते हैं, झारखंड के निरसा विधानसभा क्षेत्र के जनकुदुर में रहता है सौरभ भारती, जो बहुत अच्छा कराटिस्ट है, बहुत अच्छा मार्शल आर्ट का जानकार है और कई सारे मेडल भी इसने प्राप्त किए हैं, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिल पाने की वजह से सौरभ भारती आगे नहीं बढ़ पाया। हमारे संवाददाता ने सौरभ भारती से संपर्क किया और संपर्क कर उससे बातचीत की, हमारे संवाददाता ने उसकी मां सावित्री देवी से भी बातचीत की और जानने की ये कोशिश की कि कहां मदद नहीं मिल पा रही है सौरभ भारती को, और सौरभ भारती ने भी ये बातचीत के क्रम में बताया कि अगर प्रशासन की मदद सरकार की मदद सौरभ भारती को मिलता है तो वह इस इलाके का और देश का मान बढ़ा सकता है। मेरा नाम सौरव भारती है, मैं जुनगुदर ब्रह्मस्थान में रहता हूँ और मैं एक
स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मैं स्पोर्ट्स का गेम खेलता हूँ और स्पोर्ट्स की तरफ रुचि मुझे सारे खिलाड़ियों के नाम सुनकर उनको खेलता हुआ देखकर मुझे मेरे अंदर भी रुचि जाएगी कि मैं भी खेल खेलूं, इसलिए मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया, कराटे ज्वाइन किया और फिर कराटे में खेल के मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेडलिस्ट बना और फिर मेडल बनने के बाद मैं स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट में भी मैंने जीता और उसके बाद मैं नेशनल में सिलेक्ट हुआ और नेशनल खेलने के लिए फिर मैंने तेलंगाना, मणिपुर, कोलकाता ये सब जगह मैंने जाके खेला और खेलने पे मैंने फिर ज़्यादा कुछ जो मुझे हासिल करना था वो नहीं कर पाया क्योंकि मैं सही ढंग से मुझे खान पान या जो मुझे चाहिए। मेरा नाम सावित्री भारती है, रहती हूँ। हम सिलाई कढ़ाई मेहनत मजदूरी करके और घर का भरण पोषण करती हूँ। मेरा पति सुनते नहीं, कान का बहरा है जिससे उनको मेहनत मजदूरी नहीं मिलती है और लड़का का इच्छा है कि कराटा खेलें। और कराटे क्या होता है वो तो हमको समझ में भी नहीं आता है, पर लड़का ग्राउंड में खेलते हुए देख के, बच्चों लोग के देख के उसको इच्छा जागे कि हमने कराटा खेलें। और कराटे क्या होता है वो तो हमको समझ में भी नहीं आता है, पर लड़का ग्राउंड में खेलते हुए देख के, बच्चों लोग के देख के उसको इच्छा जागे कि हमने खेलेंगे, हम भी मेडल जीतेंगे, हम भी नाम कमाएंगे, हम भी अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारा घर का आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि हमने उसे ठीक से खाना नहीं दे पाते हैं, फिर भी लड़का को इच्छा देखते हुए हम उसको ना नहीं कर पाए। बोले ठीक है तुम खेलो, किसी तरह से उधार कर जो हमारे एक दो ठो शादी में गहने चढ़े थे वो भी हमने बेच दिया और बच्चा को दीघा, तेलंगाना और बहुत धनबाद, बहुत ऐसे जगह जो मतलब हम उनको भेजे और वो खेला, खेल के आया, लेकिन सही से खान पान ना मिलने की वजह से कभी कभी वो मतलब गेम सही से खेल नहीं पाया। और हम सरकार से यही मदद चाहती हूँ कि सरकार हमारी थोड़ी मदद करे ताकि मेरा बच्चा आगे बढ़ पाए।